भारत सरकार से आप यूक्रेन से वापस आए, तो आप भारत सरकार से कुछ कहना चाहेंगे या क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जी ज़रूर अपील करना चाहेंगे। जी हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप एक कंट्री में दो प्लेन भेज रहे हैं, जी तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वहाँ पे प्लेन भेजिए जी और बच्चों को वहाँ से निकालिए, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि प्लेन वहाँ कम जा रही हैं, जी मतलब जा तो सकती हैं वैसे, लेकिन कम भेजी जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉर्डर्स पे इतने रश हो रहे हैं, बच्चे जो निकल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो बॉर्डर देखिए, जैसे दो बॉर्डर है, एक यूक्रेन का और एक पोलैंड का, जी तो जो पोलैंड का बॉर्डर है वो बस ये इतना बोल रहे हैं कि 240 स्टूडेंट्स की फ्लाइट है, तो बस 240 स्टूडेंट्स ही वहाँ से क्रॉस करेंगे। जी 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 उसके बाद जिसका नंबर 241 है उसको धक्का मार के पीछे कर दे रहे हैं कि खत्म, मतलब दैट्स इट, अब इसके आगे कोई नहीं जाने वाला है। जी तो जी अगर प्लेन बढ़ जाएगी तो 240 से ज्यादा और बच्चे वहां से क्रॉस कर पाएंगे जल्दी से जल्दी। अच्छा, आपको जानकारी है कि अभी तक कितने बच्चे जो है वहां फंसे हुए हैं लगभग? सर हमारे अंदाज से तो हमें लग रहा है कुछ नहीं, तो जैसा कि हमने सुना है कि यहाँ से वो प्लेन गई थी, एयरफोर्स वाली प्लेन गई थी, जी 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 उसके बाद मुझे लग रहा है कम से कम 10,000 बच्चे होंगे वहाँ पे, क्योंकि टोटल जो वहाँ की संख्या थी 20,000 के आसपास थी। तो अभी भी आधे बच्चे फंसे हुए जी हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जी जी धन्यवाद।